So guys, हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो देख सकते हो आप। मतलब गाड़ी के नीचे एक बहुत ही बड़ा पत्थर आ गया, उसकी वजह से काफ़ी सारा ऑयल भी गिर गया है और कुछ चैम्बर वैम्बर में प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह से हमें गाड़ी धकेल के मैकेनिक के पास लेके जानी पड़ेगी। और ये अजमेर के यहाँ पे है। अच्छा हुआ हम में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ है, सब स्वस्थ है और सब गाड़ी को धक्का दे रहा है, आप देख सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ये जो ब्लॉग है ये बहुत स्पेशल है और हम सब, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं खाटू श्याम जी के यहाँ, क्योंकि मैंने कुछ, मतलब मैं अभी प्रॉब्लम में था थोड़ा टाइम पहले, तो मैंने इनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट या आप कुछ भी मन्नत वगैरह कुछ भी बोल सकते हो, वो मांगी थी और मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि वो अगर पूरी हो जाएगी तो मैं मंदिर खुलते ही इनके दर्शन करने आऊँगा। तो विश है वो पूरी हो गई है, तो विश पूरी हो गई है तो इनसे मिलने जाना ज़रूरी है। तो आज हम निकल रहे हैं, मतलब अभी जैसे बज रहे हैं 6, मेरा फ्रेंड आने वाला है। मेरा फ्रेंड आते ही मैं यहाँ से निकलूँगा पहले डांस क्लास, डांस क्लास से सीधा हम सब लोग मिलके जाने वाले हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए, आपको मतलब मेरे साथ में आप भी दर्शन कर लेंगे, इस ब्लॉग के जरिए ही आप खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। खाटू श्याम जी के जाने के बाद हमारा प्लान है कि हम सालासर बालाजी भी जाए, देखो क्या होता है, अभी सब मिलेंगे उसके बाद क्या प्लान होती है, बट अभी हम निकलेंगे पहले खाटू श्याम जी के लिए। उससे पहले मेरा जो फ्रेंड है देवा, मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में भी, मेरे घर वालों को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो गाड़ी वही चलाएगा, तो मिलते हैं आपसे जब वो आ जाए डांस क्लास पे। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ डांस क्लास और जैसे देवा को भी ले लिया है, अब देवा भैया से गाड़ी लेने गया है और उसके बाद हम जाएंगे, मतलब निकलने वाले हैं, जैसे कि जो मेरे साथ जाने वाले हैं। जय श्री श्याम। तो बस अब थोड़ी सी देर में अब गाड़ी आने वाली है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, क्लास तो सीधा हैंडल कर ही लेंगे। कार में बैठ चुके हैं गाइस और देव जी आ गए हैं, सब बैठे हैं, विजय और दो से तो मिले ही हो आप क्लास में, तो बस अब मिलते रहेंगे सफर में आगे ऐसे ही। अभी तो रवाना हुआ है, रास्ते में हम थोड़ा सा रुके हैं गणेश भोजनालय पावड़ा का ढाबे और यहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी लेने रुके हैं। तो गाइस पहले हमारा डिसाइड था कि हम यहाँ से पानी की बोतल ही लेंगे, पर अब हमने डिसाइड कर लिया कि खाना यही खा लेंगे क्योंकि सबको भूख लग रही है और खाना हमने ऑर्डर कर दिया है। और ये जो जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं ये पावना का ढाबा है जो कि ब्यावर में भी है और इन्होंने अपनी एक और ब्रांच खोल ली है नई यहाँ हाईवे पे। आ चुका है और हमने खाना भी चालू कर दिया है, यहाँ का फेमस लच्छा पराठा और रोटी आ चुकी है। ये सूरज है, दबा के जेबरा है, देवा जी भी, और ये है विजय, रवि भैया, सब खा रहे हैं, खाने के बाद मिलते हैं। खा लिया और अब हम निकल रहे हैं। हाँ, अब यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छा खाना था, ब्यावर में जो पावड़ा का ढाबा है उससे भी बेस्ट यहाँ पे लगा, तो मिलते हैं आगे सफर पे। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद थकान हुई है तो हम रुके हैं चाय के लिए, चाय और देवा जी भी थक चुके हैं, चाय। गाइस हम पहुंच चुके हैं रिंगस, मतलब अब यहाँ से खाटू श्याम जी 25 किलोमीटर दूर है, बस आप देख सकते हो रास्ते में लोग जो श्रद्धा है उनकी, पैदल जा रहे हैं सब, आधे से ज़्यादा गुजर रहा है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी के मंदिर,
मतलब मदनी तो नहीं पहुंचे, मतलब खाटू श्याम जी पहुंच चुके हैं और विजय जगा हुआ है। आप सूरज की हालत देख सकते हो, ये कैसे सो रहा है। देख सूरज, ए मंदिर आ गया। तो सूरज उठ चुका है। अब मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सनरूफ में से निकल के आपको भीड़ दिखाऊं, इतनी भीड़ है इस मंदिर में। गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मुझे टाइम ही नहीं मिला रूम दिखाने का, और रूम तो अच्छा था। मंदिर का रास्ता पता ही नहीं हमें, देखना पड़ेगा। रुक जा भाई, रुक जा। और मंदिर ही जा रहे हैं, मिलते हैं मंदिर पे। भीड़ देख सकते हो गाइस, सूरज। देखो मंदिर में ये चेंज हुआ है गाइस, लाइन एकदम सारी सीधी हो गई है, पहले झिकझक थी। बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरा नाम रहेगा। अरे फोटो तो बाद में ले, वीडियो बना। सही तो चाल तो आगे बढ़ा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हरे के सहारे की। बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तोरण द्वार, अब हम आए हैं तोरण द्वार दर्शन करके। यहाँ देखते हैं फ्री हो चुके हैं, उसके बाद में वो अब हम जा रहे हैं। ये तो थोड़ा मस्ती मजाक था, उसके बाद में क्या। और देखते हैं, हम गाड़ी के पास जा रहे हैं। प्लानिंग तो है सालासर बालाजी जाने की, पर देखते हैं पहले गाड़ी की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से देखते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस हम वापस निकल चुके हैं, और हमारा जो सालासर बालाजी जाने का जो प्लान है वो थोड़ा कैंसिल करना पड़ा हमें, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, और इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि वापस ब्यावर ही आए। तो देख सब निकल रहे हैं, सब थके हुए हैं, सब सो रहे हैं। सब तो क्या सो रहे हैं, रवि भी है सो रहे हैं थोड़े थोड़े। देवा गाड़ी को पूछा के गाड़ी चला रहा है, डैडी विद गाड़ी। वाह क्या बात है। बाकी चलो मिलते हैं आपसे, और आगे ब्यावर पहुँचते पहुँचते क्या करेंगे देखते रहिए। हम जयपुर थोड़ा क्रॉस कर चुके हैं, किशनगढ़ आने वाला है, और हमने कचौरी भी खाई है, और विजय थोड़ा सीरियस हो चुका है, कुछ बात हुई थी। लग चुकी है। नहीं अभी गेगल को लेके कुछ बात हुई थी जो उसको समझ में नहीं आई। तो आवाज कर रहा है, ये इसकी आवाज ही पता नहीं कहाँ से करवा रहा है, देखते हैं कहाँ से क्या होता है। अभी कुछ तो गड़बड़ है दया, चला रहे आवाज नहीं कर रहा। और देवा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, देवा कोल्ड ड्रिंक दिखा रहा है। ये हम है, जहाँ पे हमने कल जैसे नाइट में जब जा रहे थे, जब खाने गए थे। आप बोलो। तो कल जहाँ हमने खाना खाया था पावड़ा का ढाबा, वहीं पे हम आए हैं खाना खाने। बस अब हम ब्यावर पहुँचने वाले ही हैं। टेस्ट लगा, सूरज का इशारा टेस्ट लगा, और बस सब खाना खा के यहाँ से सीधा ब्यावर जाएंगे, फिर मिलते हैं घर पे। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ डांस क्लास, और बस यही था हमारा खाटू श्याम जी का सफ़र। मैं बना नहीं पाया ब्लॉग क्योंकि जल्दी मैं कार को भी ठीक करवाना था, क्योंकि हम जुगाड़ से ही लेके गए थे और श्याम बाबा का आशीर्वाद था कि आ गए, क्योंकि जिस मैकेनिक ने हमारी गाड़ी रात को सही की थी उसने हमें क्लियरली मना कर दिया था कि ये गाड़ी खाटू श्याम जी तो नहीं जा पाएगी।
आप सीधा ब्यावर जाओ, ब्यावर से दूसरी गाड़ी लो, फिर आप खाटू श्याम जी के लिए निकलो, क्योंकि ये गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। बट मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मान गया कल, वाकई में जो लोग बोलते हैं ना बाबा के लिए, वो वाकई में पर्चा है। वैसे ही माना हुआ था मैंने तो, मेरी तो मन्नत थी जो पूरी हुई थी उसकी, उसी के लिए मैं कल गया था। पर जो रास्ते में हमारे साथ हादसा हुआ उसके बाद भी गाड़ी वहाँ जाके भी आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब दर्शन ईजीली हो गए और बहुत मज़ा आया सफ़र में। तो बस ऐसे ही ब्लॉग नेक्स्ट आते रहेंगे, सपोर्ट अपना बनाए रखें। जय श्री श्याम।